उत्तर प्रदेश के बलिया में बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर हत्या से सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर जहां फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है, शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में अकेले रह रही रिटायर्ड शिक्षिका की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर गले में पहने सोने के जेवरात भी ले गए। वहीं 24 घंटे के अंदर हत्या की दूसरी वारदात कल भी एक युवक की पुरानी रंजिश में चाकू से गूंथकर एक युवक की हत्या हुई थी। पुलिस ने चाकूबाजी मामले में SHO राजकुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में टीम गठित कर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। पुलिस की माने तो महिला की हत्या मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। गरवार थाना क्षेत्र के चिलकहर में पुरानी रंजिश में हुई हत्या के मामले में लापरवाही बरतने के मामले में SHO गरवार को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं 12 नामजद आरोपियों में से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 9 आरोपियों की टीम बनाकर तलाश इस वक्त जारी है। निधि सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। प्रबंधापुर क्षेत्र में हुई है, मेरी बड़ी माँ के साथ हुई है, उनकी हत्या की गई है, लूटपाट की गई है और उनके जो 2 बेटे हैं और 1 बेटी है सब बाहर ही रहते हैं, सब शादीशुदा हैं, सब परिवार के साथ बाहर रहते हैं। बड़े बेटे पुलिस इंस्पेक्टर हैं कानपुर नगर में, छोटे बेटे चीफ कंट्रोल अफसर हैं मुंबई CST में, रेलवे में विभाग में, बेटी है दामाद उनका विजिलेंस अफसर है पुलिस विभाग में। बाकी उनकी हत्या हुई है, उसके बाद उनके कान से बाली खींचा गया है, अंगूठी निकाला गया है, चेन निकाला गया है और एक लॉकेट था वो निकाला गया है, पायल पीछे निकाला गया है और उनको यहाँ पे कट का एक बड़ा कट का मार्क है यहाँ इस जगह पे जहाँ से खून ज़्यादा निकला है। बाकी और जगह थोड़ा सा चोट मोट निकला है और थोड़ा सा छीना झपटी का वहाँ पे मतलब ये वारदात ये अपने घर में ही थी, घर में ही सारी वारदात हुई है। क्या लगता है कि लूट के नियत से हत्या की गई है या फिर कुछ और इसकी वजह? अब इसकी वजह तो स्पष्ट रूप से नहीं पता चल पा रही है, लेकिन लूट भी एक वजह है इसमें, हो सकता है कोई जानने वाला परिचित आदमी हो उसमें या शंका। कल रात करीब 10:30 बजे की सूचना प्राप्त हुई थी कि परबंदापुर में एक महिला जिनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी, घर पर अकेले रहती थी, 2 मंजिला मकान है, वहाँ उनका शव पड़ा हुआ है जिनके सिर पे चोट है और अगल बगल में है। इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारी मौके पे पहुँचे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि घर के बाहर जो लॉन है जिसमें कुछ क्यारियाँ बनी हैं ईंट की, उन क्यारियों पे ब्लड था, वहाँ से ऐसा लगता था कि उनको ड्रैग करके घर के अंदर कमरे में छोड़ा गया है। वहीं पर एक पूल ऑफ ब्लड था जिससे ऐसा प्रतीत होता है अधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। इनके जो पुत्र हैं वो पुलिस विभाग के ही हैं, कानपुर कमिश्नरेट में निरीक्षक के पद पर नियुक्त हैं। आज वो अभी पहुँचे हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई जिसके आधार पर जो पंजीकृत किया गया है और इसमें अज्ञात अधिकतर विरुद्ध तहरीर है जिस पर हम लोग इसको वर्कआउट करेंगे और जो अधिकतर भी गिरफ्तार। महिला के साथ लूट की भी वारदात हुई है क्या उनके साथ? सोने उनके कान के बुंदे उस वक्त नहीं थे जब हम लोगों ने मौका देखा था वहाँ। इसके अतिरिक्त घर पे और कोई सामान विशेष रूप से डिस्टर्ब नहीं किया गया था जिससे ऐसा लगा कि घटना जो हुई है वो बाहर हुई है, उसके बाद फिर उनको ड्रैग करके अंदर रखा गया। और उनके जो बेटे हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई, घर में भी कुछ सामान नहीं मिल रहा है, अभी गायब है, तो उसी आधार पर सुजनगढ़ धालाओं के अंतर्गत अभी पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जाएगी और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा और अधिकतर गिरफ्तारी। कल गढ़वार में चिलकहर रेलवे स्टेशन में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की चाकू से चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी और उसका एक और व्यक्ति विकास जिसको चाकू की चोट थी जिसको उपचार हेतु ट्रामा सेंटर वाराणसी यहाँ से रेफर करा था, वहाँ उसका उपचार चल रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी उसकी हालत स्थिर है और इम्प्रूव कर रहा है। इस घटना के बाद कुछ लोगों का आक्रोश था कि थाना प्रभारी उनका व्यवहार ठीक नहीं है और इस घटना से संबंधित पहले भी शिकायत इस विवाद से संबंधित शिकायत थाने पर गई थी जिस पर गंभीरतापूर्वक उसको नहीं दिया गया। इस के कारण प्रथम दृष्टया उसको दोषी पाते हुए प्रभारी निरीक्षक गढ़वार राजकुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया और उनके स्थान पर नए प्रभारी निरीक्षक की नियुक्ति की गई है।
इनमें जो 12 अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना जो दर्ज कराई गई उसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उनके द्वारा घटना को किया जाना स्वीकार किया गया है। शेष जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाकर लगातार दबिशें दी जा रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र के शीघ्र हम लोग जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तारी कर लेंगे।